तो कैसे हैं आप लोग? मज़ा आया कि नहीं? कल हमने जो फिफ्थ डे के विकेट का एक प्रेडिक्शन किया था, शिवमोगा का प्रेडिक्शन किया था, ठीक है, कि अब जो लोग सोचेंगे वो नहीं होगा, ठीक है, यही इसी के बेसिस पे मैंने आपको बताया था। और कल हमारी शिवमोगा भी विन की और आज फिफ्थ डे विकेट भी गिरा, ठीक है। मतलब अच्छा लगता है कि कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ बोलता हूँ अगर वो होते हुए मिलती हैं, जो कि कोई सोच नहीं सकता है ना, तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इसका तो पहला प्रेडिक्शन हमारा यही था कि वेस्ट इंडीज़ के साथ आपको तीनों T20 में रहना है, ठीक है। तो दूसरा है शायद, इनको मैं एक बार मैं देख ले रहा हूँ कितना T20 है, क्योंकि सीरीज डेट ट्रिक के हिसाब से तो फिर अपने को, हालांकि कोई सीरीज और इसके कोई सेंस नहीं है। देखिए, कल साउथ अफ्रीका जीत सकती है क्योंकि तीसरा मैच हो जाए, बट वो सबके चक्करों में मैं नहीं रहूँगा, मैं आपको वेस्ट इंडीज़ ही बोलूँगा, ठीक है। गयाना और TKR में एक बार अभी अंदर घुसेंगे तो देख लेंगे शायद, नहीं, बारबेडोस थी हमारी टीम, ठीक है, तो इसमें तो अपनी टीम फिर से TKR ही रहेगी, ठीक है। हांगकांग और मलेशिया में तो अपनी टीम हांगकांग रहेगी पूरे टूर्नामेंट के लिए, मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, रेचल हेंस फिर से स्टार्ट हो रहा है, इनका ODI यही है कि बीच में बंद हो जाता है फिर स्टार्ट हो जाता है, तो ये देख लेंगे। पॉइंट्स टेबल के हिसाब से ही मेरे को पिक करना पड़ेगा। MD और HD, देखिए ये जो मैच है ना, अब जो ये मैच है ये पॉइंट्स टेबल के हिसाब से अपन पिक कर पाएंगे, नीचे की टीम को ऊपर जाना पड़ेगा अदरवाइज टूर्नामेंट डेड हो जाएगा, ठीक है। और नेदरलैंड्स और USA में तो ये मैंने सारे ही मैच आपको जैकपॉट बोले हैं, पहला भी जैकपॉट हुआ, दूसरा जैकपॉट हुआ, आपको मालूम है रेन हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ से कहाँ आ गया था, फर्स्ट इनिंग में मैच अच्छा बन गया था। तो इसको भी अपन प्रेडिक्शन करते हैं, अंदर घुसते हैं एक एक करके। तो ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ सबको 15-15 मैच खेलना है अभी, नहीं 1 2 3 4 14 14 मैच खेलना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो दो दो मैच सबके साथ खेलना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप अपना एक पिक तो लगा ही सकते हो, सेमीफाइनल इसमें होगा तो यहाँ से टीम को रुकना चाहिए, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप उस हिसाब से गणित करोगे तो हो सकता है सनराइजर्स यहाँ से आपको मैच हारते हुए मिले, और जो नीचे की टीम है जिसका क्वालिफिकेशन बनता है एक एक मैच में कितना पॉइंट मिल रहा है उसको आप देख लीजिए, ठीक है। 2 है 3 है, मेरे हिसाब से लगभग 4-4 पॉइंट मिल रहा है, तो उस हिसाब से ब्लेज जीत सकती है, थंडर जीत सकती है, आप नीचे की टीम के साथ आप रह सकते हो ताकि चौथे नंबर की टीम फंसी रहे, बस यही एक मेरा ट्रिक है, बाकी अंदर घुसेंगे तो देख लेंगे, ठीक है। इसमें तो देखिए अभी भी आज भी मैच है, इसका भी अगर अपन देखेंगे तो यहाँ से टीम को रुकना चाहिए, ठीक है, मगर इन दोनों का ही सेम है तो यहाँ से भी रुक सकता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको प्रेडिक्शन करता हूँ सबका, ठीक है, ठीक है, अब एकदम आराम से करेंगे। 10-10 मैच सबको खेलना है और सेमीफाइनल फाइनल है कि नहीं एक बार मैं देख लेता हूँ, क्वालिफायर वाला सिस्टम है कहीं सेमीफाइनल वाला सिस्टम है, ठीक है। तो अब धीरे धीरे बात करेंगे आज का मैच का, पहले मैं आपको प्रेडिक्शन करूंगा। देखिए यहाँ से टीम, ये वाली टीम को अब जीतना चाहिए, ये वाली टीम तो कल जीती, आज इसका किससे मैच है, आज SMS का मैंगलोर ड्रैगन से है, तो ये दोनों में कोई भी जीत सकता है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो भी जीतेगा फिर वो सारा मैच उसको जीतना चाहिए, और इन दोनों टीम में कोई एक टीम सारा मैच हारेगी, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। माइसोर वॉरियर्स हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरे को नहीं लगता कि ये टूर्नामेंट से बाहर भी हो सकते हैं, ठीक है, करुण नायर की टीम है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आज देखें तो आज बेंगलोर और माइसोर का, हाँ तो आज तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, आज जो भी जीतेगा, जो आज हारेगा इन दोनों में, वो मोस्ट प्रोबेबली टूर्नामेंट के मैक्सिमम मैचेस हारना चाहिए, और ये जो आज जीतेगा इन दोनों में, ठीक है, ये मैं आज का बता रहा हूँ, कल का नहीं बता रहा, तो वो सारे मैचेस जीतने चाहिए उसको। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं माइसोर के साथ रहूंगा। और MD की टीम कौन सी है? अच्छा, ये वो वाली कृष्णमूर्ति सिद्धार्थ की है, तो ये मैं नहीं पिक कर सकता, हालांकि ये लास्ट वाला मैच जीते तो हैं SMS की, बट इसमें की टीम अच्छी है, SH कोई वो नहीं है, MD की टीम में भी कुछ खास नहीं है ना, तो ये थोड़ा सा प्रेडिक्शन थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो चलिए इसमें ना मैं आपको चेज दे रहा हूँ, ठीक है, चेज दे रहा हूँ, पर ये वाला मैच में कोई भी जीतेगा वो फिर उसको सारा मैच जीतना चाहिए। अगर आप इस तरीके से सोचोगे ना यार, तो अगर ये 3 जीतेंगे भी तो इनका 8 ही हो पाएगा, तो बेटर टूर्नामेंट के लिए ये होगा कि ये टीम जीते ताकि अगला 4 मैच जीत करके यहाँ तक पहुंच सके, ठीक है। आप देखिएगा वैसा ही होगा जैसा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो कल है फिर मैंगलोर और हुबली का है, कल हमारा हुबली और मैंगलोर का है, मैंगलोर ड्रैगन्स, तो अगर आज मैंगलोर जीती है तो कल हुबली को भी हरा सकती है, और कल बैंगलोर और गुलबर्गा का मैच है, इन दोनों का है, अगर आज बैंगलोर हारती है तो कल भी वो हारेगी। तो इसका जो प्रेडिक्शन है ना, मैं वो कल सुबह करूंगा, मतलब आज का प्रेडिक्शन मैं आज ही कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, लेट हो गया वीडियो, बट ठीक है, इसमें मेरे को ये टूर्नामेंट जीतना पसंद है जैसा मैंने बोला है, तो कल अपन इसके साथ ही रहेंगे TKR के साथ। गयाना मेरे को पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, ठीक है। इसका भी आज सुबह सुबह देखा जाए तो कुवैत जीत गई है, ठीक है, और मलेशिया की टीम में इनके मेन प्लेयर नहीं है, बाकी हांगकांग मेरा जीतना पसंद है जैसा मैंने आपको बताया है, ये वाला मैच सारा ही अच्छा होगा। भाई एक करके डिस्कशन करते हैं, देखिए मैंगलोर और हुबली का मैच है, हुबली की टीम में अरे कल का प्रेडिक्शन हो जाएगा, ये देखिए कंफ्यूजन हो जाएगा, आप ज़्यादा देखिए कंफ्यूजन की बात है नहीं, मैं अपने ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, बट ये फिर मेरे को रात में वीडियो बनाना पड़ेगा, आपको खुद को मालूम है, क्योंकि आज जब खत्म होगा तब रात में फिर वो वीडियो बनता नहीं है, ठीक है, उस होने का टाइम हो जाता है। अगर मैं ऊपर ऊपर से बोलूँ तो ये टीम टूर्नामेंट नहीं जीतेगी मेरे ख्याल से, इनकी टीम में अगर आप देखें तो सब एवरेज क्रिकेटर हैं, मनवंत कुमार टॉप क्लास के क्रिकेटर हैं, इसके अलावा कावेरप्पा अच्छी बॉलिंग करते हैं बट ठीक है, और इसके अलावा मनीष पांडे हैं इनके पास, और आप किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। इनमें देखा जाए तो इनकी टीम कंटिन्यूअस बेसिस पे हार रही है, ठीक है, इनके नीचे के सभी बेकार प्लेयर हैं एक तरह से देखा जाए तो, हाँ इनके टॉप 4 काफ़ी सॉलिड है, बट इनके सबसे बड़ा ब्लंडर हो रहा है कि सिद्धार्थ को शुरू में ही भेज दे रहे हैं, मैं रोहन पाटिल इन सबसे एक सेंचुरी की उम्मीद भी कर रहा हूँ, तो ये मैच भी कल अच्छा आपको देखते हुए मिल सकता है, और मेरे हिसाब से आप बैंगलोर के साथ ही रहना, एक बार मैं कल सुबह कंफर्म कर दूंगा। बैंगलोर मेरे कल से अगर आज हारेगी तो मोस्ट प्रोबेबली इनको टूर्नामेंट में एंड तक हारना चाहिए, ठीक है। गुलबर्गा की पूरी चेस टीम है, कंटिन्यूस बेसिस पे जीत रहे हैं, पॉइंट्स टेबल अगर देखें तो इन्होंने लगभग सारे मैच चेस करके जीते हैं, इनकी बैटिंग 11 नंबर तक है, बॉलिंग भी ठीक ठाक कर रहे हैं, इनकी टीम अच्छी है देखा जाए तो, प्रवीण दुबे अच्छा कर रहे हैं, शेखावत वगैरह मोटा मार रहे हैं, समरन ने एक सेंचुरी भी मारी है। इनकी टीम देखी जाए तो लवीश कौशल अच्छा करते हैं, क्रांति कुमार अच्छा करें, इनकी टीम भी सॉलिड है, ऐसे को कुछ बोला नहीं जा सकता, ये मैच भी मैं जैकपॉट कॉल दे रहा हूँ, अभी मैं एंड में आपको सब क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये वाला मैच तो मैंने पूरा टूर्नामेंट आपको बोला सारा मैच अच्छा बनेगा, इनकी टीम में खाली यही 1-2 प्लेयर बैटिंग वाइज है, वरना ये चेज में हारते हुए आपको मिलेंगे, आप लिख के रख लीजिए, पर बारिश के मैचेस ज्यादातर आप देखोगे तो उसमें बारिश की चांसेस ज्यादा है, इनके पास भी कोई खास बॉलिंग लाइनअप नहीं है, ठीक है, तो मैं इसमें चेज के साथ रहना पसंद करूंगा। हांगकांग और मलेशिया में अपन रहेंगे हांगकांग के साथ, ठीक है, मलेशिया सिर्फ डिफेंड कर सकती है, वो भी अगर पहली बैटिंग करके पूरा रन बना ले तो। अब आइए देख लेते हैं इसका क्या क्या टीम है, एक बार ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, मेरे को सब जो रहेगा बता दूंगा। वेस्टर्न स्टॉर्म की हमेशा से ही
चेस टीम रही है, इनकी 11 नंबर तक बैटिंग है, ये बात आप याद रखना है। बाकी टीम एवरेज है पूरी। हाँ, अमांडा जेड वेलिंगटन ये सब है, पर ये सब अभी उधर खेल रहे हैं शायद, उधर आपका जो CPL हो रहा है वुमेंस का। इसमें एवलिन जोन्स अच्छी हैं, पेरिन अच्छा कर रही हैं, केट लुइस जॉर्ज अच्छा करती हैं, ये सब अच्छी क्रिकेटर हैं, ठीक है, तो आप इनके साथ रहना, ठीक है, जनरल्स के साथ रहना। साउथ ईस्ट स्टार्स की एकदम टॉप की टीम, एक बार मैं उधर पॉइंट्स टेबल खोल लेता हूँ। इधर भी इसका वीडियो थोड़ा डाउन ही बनेगा, क्योंकि मेरे को सोचना पड़ेगा मैं वीडियो कब बनाऊँ, क्योंकि जब टूर्नामेंट के आखिर के मैचेस आने लग जाते हैं ना, तो प्रिडिक्शन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो साउथ ईस्ट स्टार्स का थंडर के साथ मैच है, जैसा मैंने बोला है, इनकी टीम बेकार है, इस तरीके से देखा जाए तो आप इन्हीं के साथ रहो, ठीक है। टिली कोल मैन, ये सब टॉप क्लास के प्लेयर है SCS में। वाइपर हर साल जितनी, इस साल भी टेबल टॉपर है। ब्लेज आपकी इस साल थोड़ा खराब कर रही है, इवन दो ब्लेज की टीम काफी सॉलिड है, इनके पास अच्छे खासे क्रिकेटर हैं, आप इनके साथ रहो, ठीक है, ब्लेज के साथ आप रहना। और सब सनराइजर्स और इनका मैच है, तो एक बार देख लेते हैं इनमें सनराइजर्स की टीम में कौन है। ये मेरे हिसाब से चौथे नंबर की टीम है ना, तो इनको हारना चाहिए, ठीक है, इवन दो इनकी टीम काफी सॉलिड है। इसमें देखा जाए तो इनकी मेन प्लेयर यही है आपकी होली आर्मिटाज, ठीक है, बाकी टीम एवरेज है पूरी, कुछ आप नहीं बोल सकते। ये भी उधर खेल रही है, एरिन बर्स भी उधर खेल रही है, तो कोई बंदा क्या प्रेडिक्शन करेगा, आप खुद ही बताओ ना। अब इसमें से कौन प्लेयर है कौन नहीं, अगर यही टीम खेलती है तो फिर इनको हराना मुश्किल है। इवन दो टेबल चौथे स्पॉट से देखा जाए तो रुकना चाहिए, तो पर फिर भी अब ये टीम में भाई इनके जब दो दो तीन तीन शायद ये भी गई हैं वेस्ट इंडीज, मेरे को आइडिया नहीं है, तो फिर मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है ना, यही फालतू के प्रेडिक्शन होंगे। इसमें तो आप इन्हीं के साथ रहोगे, ठीक है, जैसा मैंने बोला है इनकी टीम अच्छी है नो डाउट, बट कुछ ऐसे ऐसे प्लेयर्स को लेना जो अब एजेड हो चले रिटायरमेंट के उसमें है, मेरे समझ के परे है, ठीक है। गयाना और ट्रिनिडाद में अगर देखा जाए तो मैं इन्हीं के साथ ही रहूँगा, इनकी टीम में उतनी पसंद नहीं करता, क्योंकि लिटरली मेरे को ये पसंद नहीं है, ठीक है। और बाकी देखा जाए तो इनके पास टीम अच्छी है, आप इन्हीं के साथ रहो, ठीक है, बस खत्म हो गया। ज़्यादा बेटर पर इसलिए आज वीडियो बनाने का मन नहीं था मेरा, मैं सोच रहा था कल सुबह ही एक साथ दोनों बना दूँ, बट मैंने बोला चलिए ठीक है, कुछ अगर हेल्प हो जाए आपकी, मैं बेसिक बेसिक चीज़ आपको बता देता हूँ, आप इसके साथ रहोगे, ठीक है। मैं अभी जो प्रेडिक्शन कर रहा हूँ सुनिएगा, जो आज के प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने उधर जैसे खोला है, तो आज अपन रहेंगे मैसूर वॉरियर्स के साथ, याद रखिएगा अभी जो वीडियो बना रहा हूँ अभी जो मैच होने वाला है, और रात में मैंगलोर ड्रैगन्स के साथ मैं रहना पसंद करूँगा, ठीक है। आज का मैंने दोनों टीम आपको बता दी, क्योंकि अपने को पॉइंट टेबल के हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है, हो गया क्लियर। बाकी जो याद रखिएगा मेरा पॉइंट, जो आज जीतेगा बेंगलोर और मैसूर में, जो आज हारेगा सॉरी बेंगलोर और मैसूर में, वो टूर्नामेंट के एंड तक हारते हुए मिलना चाहिए, ताकि चौथे नंबर का स्पॉट फंसा रहे। और जो आज जीतेगा शिवमोगा और मैंगलोर में, वो टूर्नामेंट के एंड तक जीतेगा, ठीक है, क्योंकि उनको टूर्नामेंट के लिए जो चौथे नंबर की टीम है उसके लिए वो बेटर रहेगा कि वो टीम जीते, ठीक है। यही मेरी सिंपल सी थिंकिंग और यही आपको होते हुए मिलेगा, पर मैंने अपनी टीम बता दी। इसमें अपन TKR के साथ रहेंगे, इसमें अपन इसी के साथ रहेंगे, ठीक है। मलेशिया का मेजर प्रॉब्लम वही है, उनके वीरेंद्र सिंह नहीं खेल रहे, तो आप नहीं बोल सकते जीतेगी, ठीक है। थंडर और SCS में अपनी टीम यही रहेगी, इसमें सेंट्रल स्पार्क पकड़ेंगे अपन, इसमें सिंस इनकी दो मेन प्लेयर नहीं खेल रही है ना, वाइपर और ब्लेज में अपन ब्लेज पकड़ेंगे, ठीक है। अभी मैं कल का भी आपको बता देता हूँ, सिंस अगर नहीं, ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि हुबली ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आज मैंगलोर ड्रैगन जीतती है तो कल आप फिर इनके साथ रहिएगा, ठीक है। अगर आज मान लीजिए शिवमोगा जीत जाती है तो फिर हमारा कल सुबह मैं आपको प्रेडिक्ट करूंगा, ठीक है, कल सुबह वीडियो बना दूंगा। अगर आज बेंगलोर हारती है तो कल आप गुलबर्ग के साथ रहिएगा, पर अगर आज बेंगलोर जीत जाती है तो फिर मैं इसका कल प्रेडिक्शन करूंगा। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, जो है वही बता रहा हूं मैं, यहां पे आके खाली आपको यह टीम जीतेगी वो टीम जीतेगी नहीं बोल रहा मैं, आपको विथ लॉजिक विथ कंसेप्ट समझाने का ट्राई कर रहा हूं। तो मैंने आपको बता दिया, जो आज इन दोनों में जो रिजल्ट रहेगा वही टूर्नामेंट के एंड तक रिजल्ट रहना चाहिए, ठीक है। नेदरलैंड्स यूएसए में मैं जैकपॉट कॉल देता हूं और मैं रहूंगा USA के साथ, ठीक है। मैंने आपको सारी चीज़ मेरे ख्याल से समझा दी है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, और मैचेस ठीक ठाक बन रहे हैं। बाकी अभी के लिए दोस्तों मैं चलता हूँ, ठीक है।